तो आज के वीडियो में हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाले रेडमी नोट 5। तो आप भी इनके अनबॉक्सिंग और रिव्यू देना चाहते हो तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। हमारे रेडमी नोट 5 तो हम चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये सामने का दिखा गया है इंडियन नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड और इधर दिया गया है Xiaomi की ब्रांडिंग और नीचे लिखा गया Redmi Note 5 बाय Xiaomi, आप देख सकते हो। और साइड में दिया गया है Redmi Note 5, आप देखिए Redmi Note 5 लिखा गया है। और पीछे की बात करें, पीछे दिया गया है स्पेसिफिकेशन फ़ोन की और इधर लिखा है 5.99 इंच की डिस्प्ले, मतलब 6.6 इंच की इसकी डिस्प्ले मिल जाती है और 18:9 रेशियो की इसकी डिस्प्ले है। और बात करें कैमरे की तो कैमरा आपको मिल जाता है फ्रंट के सामने, तो फ्रंट में मिल जाता है आपको सेल्फी लाइट, फ्रंट में आपको सेल्फी लाइट मिल जाती है। और बात करें रियल कैमरा बैक कैमरे की तो बैक कैमरा मिल जाता है आपको 12 मेगापिक्सल कैमरा, ठीक है। और बैटरी लाइफ की बात करें तो 4000 mAh बैटरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गई। और उसकी बात करें स्नैपड्रैगन की तो octa-core मिल जाता है आपको, octa-core प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 625, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गया तो सामने में आपको मिल जाता है कुछ, उसके अंदर आपको मिल जाता है कुछ मेरे साथ बैक कवर मिल जाता है आपको, तो इसके अंदर आपको मिल जाता है कुछ कवर, ठीक है। इसके अंदर आपको मिल जाता है बैक कवर, दिखा देता हूँ आपको खोल के, इसके अंदर मिलता है आपको बैक कवर। तो इसके अंदर फ़ोन के अंदर लगा सकते हो तो जिससे वजह से डैमेज ना हो फ़ोन, तो बहुत ही अच्छा कवर है, सिलिकॉन का मिल जाता है। तो इसको साइड में रखते हैं और बात करें फ़ोन की तो फ़ोन मेरी स्टार्ट करेंगे, इसको साइड में रखते हैं। अंदर की बात करें अंदर क्या क्या मिलता है, इसमें आपको एक स्टार्ट मैनुअल गार्ड मिल जाता है, इसमें मैनुअल गाइड मिल जाती है, तो इसको साइड में रखते हैं। उसके नीचे और को मिल जाता है आपको, ये है वारंटी कार्ड इसका, तो वारंटी कार्ड होता है तो यूज़ कर सकते हो। और इधर मिल जाता है आपको microUSB केबल, लाइटनिंग केबल, इसको चार्जिंग कर सकते हो। तो टाइप सी नहीं दिया गया इसमें अभी भी, तो microUSB केबल है इसमें अंदर। तो और बात करें आगे जाके, आगे दिया गया इसमें सिम एडाप्टर, आप देख सकते हो सिम एडाप्टर दिया गया है, सिम एडाप्टर दिया गया है साइड में रख देते हैं। और बात करें इसमें आपको मिल जाता है इधर चार्जिंग की बात करें रेटिंग की, तो चार्जिंग आपको रेटिंग मिल जाती है 5.2 वोल्ट का मिल जाता है, 5.2A का मिल जाता है। और ठीक है, इसको भी साइड में रखते, फ़ोन की तरफ चलते हैं हम लोग, तो फटाफट इसको फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। ब्रांडिंग दी गई सामने फोन के, तो उसकी बटन की बात करें साइन मिल जाता है पावर ऑन ऑफ का बटन और इधर मिल जाता है वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन। और पीछे दिया गया कुछ इसकी कैमरा, आप देख सकते हो कैमरा आपको मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, आपको पता ही है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ फ्लैश लाइट के साथ सामने मिल जाता है आपको फ्रंट कैमरा विथ लाइट के साथ, देख सकते हो। इसको ऑन कर दे पासवर्ड डाल के, तो देख सकते हो बहुत ही अच्छी इसकी इंटरफेस है। और बात करें इसकी रैम की, तो इसके अंदर रैम कितना आपको बता देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों इसका मॉडल नेम Redmi Note 5 है, देख सकते हो आप Redmi। और एंड्रॉयड की बात करें 7.1.2 मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इसको हम दिखाते हैं इसका, तो Nougat का मिल जाता है आपको एंड्रॉयड, तो बात करें इसके रैम की, रैम कौन सा आपको मिल जाता है, रैम मिल जाता है आपको 3GB, आप देख सकते हो 3GB रैम है इसके अंदर। और बात करें तो ये फ़ोन मैंने अमेजोन से परचेस किया है। और इसकी बात करें इंटरनल स्टोरेज की, बात करें इंटरनल स्टोरेज में आपको मिल जाती है 32GB टोटल, तो ठीक है 32GB मिल जाती है आपको इसके अंदर स्टोरेज, तो ठीक है। बात करते हैं बैक की, तो इसके अंदर आपको जो बटन से वो अंदर बाहर नहीं मिलता, इन डिस्प्ले मिल जाते हैं आपको बटन, इन डिस्प्ले मिल जाते हैं आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत तो अच्छा है। फुल HD डिस्प्ले मिल जाते हैं, 18:9 रेशियो मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसकी कैमरा स्ट्रिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो कैमरा स्ट्रिंग की बात करें तो कुछ इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं। तो HDR करके मैं लेता हूँ। कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा, सो
कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो फ्रंट कैमरा। तो बैक का भी बहुत ही अच्छा, बैक तो बैक का कवर, बैक फोटो, बैक का तो बहुत ही अच्छा है। फोकस भी बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, आप देख तो लाइट मिल जाती है। ये लिया गया है विथ लाइट के साथ, विथ फ्लैश लाइट गया, और ये लिया गया है विदाउट लाइट। तो आप बता देना कौन से अच्छा है इसमें। तो ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है रेडमी नोट 5। आप परचेज करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। मैंने अमेजोन से परचेज किया है, तो बहुत ही अच्छा फ़ोन लगा मुझे। तो अच्छा है फ़ोन, और उसके अंदर मिला था बहुत ही अच्छा फीचर्स, थीम्स, और इसके अंदर तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है। देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा कर्व है। ओपन मिला था आपको एयरफोन जैक, ईयरफोन जैक मिला था। इधर मिला था आपको रिमोट, MI रिमोट कंट्रोल, इधर देख सकते हो। और नीचे मिला था आपको स्पीकर, और यहाँ पर मिला था माइक्रोफोन, और यहाँ पर मिला था चार्जिंग पॉट, देख सकते हैं। आपको साइड लेफ्ट करोगे तो आपके सामने कुछ सर्चिंग बार खुल जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है, सर्चिंग बार खुल जाता है। तो फोन तो बहुत ही अच्छा है, आप इसको परचेस करना तो डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, वहाँ जाकर परचेस कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको कुछ और ऐप्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको मिल जाता है माइक्रो वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट आपके काम के लिए बहुत ही अच्छे है। और तो उसके अंदर कुछ अमेजोन प्राइम, अमेजोन भी आपको फ्री में मिल जाता है इसके साथ, डाउनलोडर के साथ, और तो अच्छी बात है। तो मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया थोड़ी देर, तो अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, अच्छा लगा मेरे को फ़ोन ही। और फिंगरप्रिंट की बात करें, फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है, टाइमिंग है इसकी 0.2 सेकेंड। तो देख सकते हो आप कितना फास्ट चल रहा है, फिंगरप्रिंट फटाफट खोल लेता है। तो इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाता है MIUI 9 अपडेट मिल जाता है आपको, MIUI 9। तो इसके अंदर अपडेट भी MIUI 10 कर सकते होंगे, तो MIUI 12 भी आ चुका है, तो MIUI 9 इसके अंदर है, तो अभी से ही आ चुका है, तो अच्छी बात है। अभी मेरे को सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया, तो सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, तो आप फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। तो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और लाइक कर दो इस वीडियो को पसंद आई तो।